आज हम लोग अपने जुपिटर 125 का एक्सीलेटर वायर चेंज करने वाले। सो सबसे पहले अपने को ये पूरा फ्रंट का पैनल खोलना पड़ेगा। सो अभी अब वीडियो में बने रहो, टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो अभी अपने को ये वाला नट खोलने का है दोनों साइड से। तो भी आपको सिर्फ यहाँ से ये दो बोल्ट अभी आपको निकालना है 10 नंबर के, फिर आपका पैनल बाहर आ जाएगा। बोल्ट रहता है, बोल्ट नहीं सॉरी स्क्रू रहता है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप ये फ्रंट वाला पैनल खोल सकोगे। बहुत मगजमारी करने के बाद इसको बाहर निकाला है, बट अटक गया है। तो हम लोग अभी ये वाला पैनल खोल रहे हैं गाड़ी का, वो सबसे पहले ये बोल्ट निकालेंगे एंड द नेक्स्ट विल बी दिस वन। तो इसको निकाल लिया। यहाँ से एक ये प्लग जो रिमूव करना पड़ता है, तो पूरा सेट अपना बाहर आ चुका है एंड गाड़ी अपनी लग रही कुछ इस तरीके से। तो भाई अभी हम लोग गाड़ी का डिक्की है जो बाहर निकाल रहे हैं। ये अपना एक्सीलेटर वायर है, तो इसको ओपन करते हैं यहाँ से।
ने टेपिंग क्यों किया था, क्योंकि उधर से अपने को वायर खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता। सो उसको टेपिंग करके इधर से डायरेक्ट खींच लिया, मतलब अपने को दोबारा यहाँ से वायर डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग ने इसको बाहर निकाला था, क्योंकि अगर ये होता तो अंदर कहीं पे अटक सकता था बॉडी में, इसलिए हम लोग ने इसको बाहर निकाला। तो अभी ये वायर में हम लोग अभी इंसर्ट करने वाले। होता है तेव्हा झालेल ना तो फाइनली अपना गाड़ी का जो एक्सीलेटर वायर है वो वर्क हो रहा है एंड इसको फटाफट फिट कर लेंगे। एक मिनट दाखो दे, हटा देना, संभाल के रखो। तो भाई ये लॉक है ना, आप संभाल के रखिए, क्योंकि नए वाले एक्सीलेटर वायर में वो होता नहीं है। हम लोग है ना, तभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे थे कि वायर को ना हम लोग ऊपर से डाल रहे थे, तो अपना एक्सीलेटर जो प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा था, तो उसको घुमा के हम लोग ने नीचे से किया, तो अभी उसका रिवर्स भी ऑपरेट हो रहा है, मतलब बैक फिर से फेंक रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। तो ये गलती आप मत रिपीट करना। तो अभी हम लोग गाड़ी फटाफट फिट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको वीडियो में बने रहिए, बस टाइम लैप्स एंजॉय करिए। ओके, तो फाइनली अपना गाड़ी जो पूरा फिट कर लिया हम लोगों ने, एंड उसका मैकेनिज्म भी एकदम परफेक्ट कर लिया है हम लोगों ने। सो आपको अभी चेकआउट कराता हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो गाड़ी एकदम प्रॉपर वर्क हो रहा है। ओके, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगता है,
तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।